गुना छिका BDPO कार्यालय छीका में ब्लॉक स्तर पर नंबरदारों की एक अहम मीटिंग रखी गई। सरकार द्वारा नंबरदारों को एक लेटर के माध्यम से कहा गया कि 60 वर्ष अधिक आयु के नंबरदारों को देना होगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। 75 से अधिक आयु के नंबरदारों को हटाया जाएगा, नए नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। वहीं जिस संबंध में आज ब्लॉक स्तर के नंबरदार इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लेटर के माध्यम से नंबरदारों के इस फरमान को वापस लिया गया। इसका आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। प्राइम की न्यूज चैनल के लिए गुरदीप चाबा गोलचीका। राम निवास नंबरदार और नंबरदार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट, किन मुद्दों को लेकर आज मीटिंग बुलाई है? आज मीटिंग बुलाई गई है कि सरकार ने एक लेटर जारी किया था, उस लेटर के तहत के नए नंबरदार नहीं बनाए जाएंगे और जो नंबरदार 60 वर्ष के हो चुके हैं उन नंबरदारों का मेडिकल फिटनेस करवाया जाएगा और जो 75 साल के हो चुके हैं उनको रिटायरमेंट किया जाएगा। तो ये गलत क्यों है, सर्टिफिकेट देने में दिक्कत क्यों आ रही है? जब हम एक चीज बताना चाहते हैं कि जब 75 साल का मुख्यमंत्री बन सकता है, MP बन सकता है, तो एक नंबरदार बल्कि उसका तो एक्सपीरियंस बढ़ता है 75 साल के अंदर, जितना पुराना होगा उतना ही उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। 75 साल के बाद उन्हें हटाने की इसमें कहा गया है, हाँ जी, उसे कितना उचित समझते हैं? नहीं, ये जितना पुराना नंबरदार होगा वो उतना ही उसको जान पहचान ज्यादा होगी, क्योंकि नंबरदार का काम होता है कि उसके लिए उसको विटनेस करना कि ये फलाना है, ये फलाने का बेटा है, फलाने का पोता है। तो जब नंबरदार जितना पुराना होगा उतने उसकी जान पहचान ज्यादा होगी, बल्कि जो नए नंबरदार बनाए जाएंगे उसको पूरे गांव की उसको नॉलेज भी नहीं होगी कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है। अगर जो फरमान जारी किया वो रद्द नहीं किया गया तो अगले क्या कार्रवाई रहेगी नंबरदार? अगर रद्द नहीं किया गया तो हम इलेक्शन के अंदर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अधिकारियों द्वारा 23 नवंबर 2021 को एक पत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि जो 75 वर्ष से ऊपर के नंबरदारों को हटाया जाएगा, 60 वर्ष से ऊपर के नंबरदारों का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और नए नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक लगाई जाएगी। सरबराह नंबरदारों की नियुक्ति पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी। नंबरदार एसोसिएशन का मानना है कि 23/11/2021 के पत्र को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। इसी सिलसिले में जो है 10 अगस्त को जो है सैनिक धर्मशाला को क्षेत्र के अंदर जो है सभी नंबरदारों का समेत हुआ था, उसके अंदर राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री से बात कर इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उसी सिलसिले को लेकर के जो है 18 अगस्त को पंचकूला के अंदर जो मुख्यमंत्री ने सम्मेलन बुलाया उसी सिलसिले में आज मीटिंग दी गई थी। अब उस सम्मेलन की तिथि जो है 21 अगस्त कर दी गई है। हमें उम्मीद है कि प्रदेश सरकार जो है प्रदेश के नंबरदारों की सभी मांगों को स्वीकार करेगी, क्योंकि जब किसी मंत्री के लिए उम्र निर्धारित नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए उम्र निर्धारित नहीं है, सरपंच के लिए उम्र निर्धारित नहीं है, MP के लिए उम्र निर्धारित नहीं है, विधायक के लिए उम्र निर्धारित नहीं है, किसी पार्षद के लिए नहीं, किसी सरपंच के लिए, तो ऐसे में नंबरदारों के ऊपर जो है उम्र की पाबंदी लगाना सरासर गलत है। दूसरा जो है नंबरदारों को सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी जो है हरियाणा के अंदर एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, राजस्व विभाग की एक कड़ी है। ऐसे में है जाकर नंबरदारों की जो है नंबरदारी समाप्त करने की बात की तो समाज का जो है ताना बाना छीन भीन हो जाएगा। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि 23/11/2021 को जो है जो पत्र सरकार द्वारा जारी किया गया उसे रद्द किया जाए और प्रदेश के जो समस्त नंबरदार जो है 21 तारीख को पंचकूला में जाएंगे। इसी सिलसिले के अंदर यह मीटिंग बुलाई गई है।